भाई बहुत काराना हरकत थी और दो गरीब लोगों को जो कश्मीर में अपना रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए थे उनको इन भूजदलों ने उन निहत्ते लोगों को जो हत्या की है उसका जितना भी उसको कंडेम किया जाए वो कम होगा और आप जल्दी देखेंगे कि उन हथियारों को अपने किए की जल्दी सजा मिल जाए। सर आर्टिकल 370 को लेकर 5 लोगों का जो हाईकोर्ट द्वारा पिटीशन की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब यहाँ पे कोई आर्टिकल 370 नहीं है तो इस वास्ते मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो जो सीज फायर हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से बार बार उसको लेके क्या कहेंगे सर? उसको पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। उनके एडवेंचरिज्म का उनको हमेशा सबक सीखना पड़ा। बालाकोट अभी उनको याद रहना चाहिए और अगर इस तरह की उनकी हरकतें चलती रही तो जल्द ही उनको शायद उससे भी ज्यादा बड़ा सबक सिखा दिया जाएगा। चीफ एडवाइजर टू गवर्नर फारूक खान ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान को उनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। वह उन्होंने ये भी कहा कि जिन आतंकियों ने गुज्जर समुदाय के ऊपर अटैक किया है और दो गुज्जर लोगों की जो हत्या की है उनको भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहीं 370 के ऊपर अगर बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर 370 के ऊपर जो 5 जजों की जो है कमेटी बिठाई गई है उस पर फारूक खान ने यह साफ कर दिया कि 370 अब यहाँ पर नहीं रहा है तो उसके ऊपर वो कोई बात नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि 370 हट चुका है। अब लोगों को ये भी समझ जाना चाहिए कि अब 370 हट चुका है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल 370 नहीं है तो इस वास्ते मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा।